हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करने के बाद आज हम स्टडी करेंगे कि कॉमन पोटेंशियल क्या होता है और लॉस ऑफ एनर्जी क्या होती है। देखिए, अगर आपने दो कैपेसिटर ले लिए, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग है, और आप उनको अगर एक वायर से कनेक्ट कर दो तो आपको पता है वो कैपेसिटर एक कंडक्टर है दोनों, और कंडक्टर को अगर एक वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो वो कंबाइन होकर चार्ज क्या होना शुरू हो जाता है, फ्लो होना शुरू हो जाता है। और प्रॉपर्टी आपको पता है कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टी है, इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जब वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक चार्ज फ्लो करेगा दो कैपेसिटर के कॉन्टेक्ट में आने से, तो कब तक ये फ्लो चलेगा? आपने पहले भी डिस्कस किया इसको चार्जिंग में, ये फ्लो तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे ही दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज रुक जाएगा, और जब ये पोटेंशियल इक्वल होगा तो उस पोटेंशियल को ही क्या नाम दिया गया है, कॉमन पोटेंशियल। देख लीजिए, व्हेन टू कैपेसिटर हैविंग डिफरेंट चार्ज एट डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्टेड बाय अ वायर, जैसे ही उनको जोड़ दिया जाए एक वायर के थ्रू, तो फ्लो ऑफ चार्ज शुरू होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में टू मेक पोटेंशियल इक्वल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या डेरिवेशन होगा इसका, अगर इफ C1 C2 आर द कैपेसिटेंस ऑफ both capacitor at potential V1 and V2. अगर V1 potential पे first capacitor का capacitance C1 हो, V2 potential पर second capacitor का capacitance C2 हो, then total charge क्या होगा? Then total charge बिफोर कनेक्टिंग, अभी आपने इनको कनेक्ट नहीं किया, तो टोटल चार्ज मान लीजिए क्यू है, इसके इक्वल होता है, फॉर्मूला आपने कर रखा है, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू किसके इक्वल, सी वी। तो फर्स्ट कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा, C1 V1, और टोटल चार्ज पूछा गया है तो दूसरे के पास कितना होगा, C2 V2। देखो, टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग, यानी कि चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर प्लस चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर। फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज का फॉर्मूला C और V के फॉर्म में ये है, तो हमने उसको लिख लिया, और सेकंड के फॉर्म में भी लिख लिया, ठीक है। इफ V इज द, अगर V कॉमन पोटेंशियल हो, After joining the capacitors, अब हम उनको जोड़ चुके हैं, जोड़ने के बाद जो पोटेंशियल है वो क्या है, V, then total charge, again total charge, जोड़ने के बाद total charge कितना होगा, Q, देखो चार्ज Q ही रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है, जोड़ने से पहले भी चार्ज उतना ही था, जोड़ने के बाद भी चार्ज उतना ही रहेगा, क्योंकि चार्ज तो कंजर्व रहता है। पहले इस पे 20 था, इस पे 50 था, टोटल 70, अब दोनों पे 35-35 आ जाएगा, क्योंकि इक्वल हुआ है, लेकिन टोटल तो अभी भी इस पे क्या है, 50-20-70, और उधर 35-35-70 ही रहेगा, तो टोटल चार्ज को अभी भी आप Q से ही डिनोट करोगे, बस पोटेंशियल V आ जाएगा, इसी में आपने V1 V2 को क्या पुट कर देना है, V, तो C1 V प्लस C2 V, कॉमन लिया तो C1 C2 बाहर आ गया V, क्योंकि चार्ज कंजर्व रहता है, एज चार्ज रिमेन्स कंजर्व। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर कर देते हैं, देन क्या आएगा कंपेयर करने पर, इधर है C1 प्लस C2 ब्रैकेट बंद V,
और यहाँ पर है C1, V1, C2, V2। V का फॉर्मूला निकालना है क्योंकि यही कॉमन पोटेंशियल है। ये फॉर्मूला है आपके पास कॉमन पोटेंशियल का, इसके इक्वल आया रेशियो ऑफ टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग डिवाइडेड बाय टोटल कैपेसिटेंस। तो कॉमन पोटेंशियल की अगर डेफिनेशन बोले तो आप क्या लिखोगे, कॉमन पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज बिफोर कनेक्टिंग टू द टोटल कैपेसिटेंस। तो ये हमारे पास क्या आया है, कॉमन पोटेंशियल आया है। हमें क्या निकालना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। देखिए कॉमन पोटेंशियल हमने कर लिया डिस्कस, अब लॉस ऑफ एनर्जी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं इसको भी रब नहीं करता, यही छोड़ देता हूँ क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इन दोनों टॉपिक्स को साथ में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये ऐसे ही प्रोसीड करते हैं जैसे अभी कॉमन पोटेंशियल प्रोसीड किया। लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालोगे, पहले एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग कितनी होगी, फिर एनर्जी उनको दो कैपेसिटरों को कनेक्ट करने के बाद कितनी है, और बाद में उनका क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो पहले हम एनर्जी निकालेंगे बिफोर कनेक्टिंग, जब तक हमने कनेक्ट उनको नहीं किया, कॉन्टैक्ट में वो नहीं आए, तो पहले बिफोर कॉन्टैक्ट, जब तक वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, देन एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगी जिसका कैपेसिटेंस C1 है और पोटेंशियल V1 है। फॉर्मूला आपने कर रखा है हाफ C1 V1 स्क्वायर, फॉर्मूला किया था एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर, उसी हाफ CV स्क्वायर को हमने क्या लिखा, C1 V1 का स्क्वायर। ये एनर्जी फर्स्ट कैपेसिटर की, सिमिलरली सेकंड की हाफ C1 हाफ C2 V2 का स्क्वायर। बिफोर कॉन्टैक्ट दोनों की ये एनर्जी है, और अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहे बिफोर कॉन्टैक्ट, देन टोटल एनर्जी इज U1 नाम आप दे दीजिए, जो इक्वल होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 का स्क्वायर। वो है टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर की जब उनको आपस में कॉन्टैक्ट नहीं किया गया। अब उनको हम जोड़ देते हैं आफ्टर कॉन्टैक्ट। अब देखिए आफ्टर कॉन्टैक्ट होते ही जो पहले पोटेंशियल V1 एक का था, V2 दूसरे का था, अब वो क्या हो चुका है, V हो चुका है। दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। तो पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो अब हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन, देखिए आफ्टर कॉन्टैक्ट एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर हाफ C1, लेकिन V1 की जगह अब सिर्फ क्या आ जाएगा, V का स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद तो पोटेंशियल सेम हो चुका है दोनों का। ऐसे ही एनर्जी सेकंड कैपेसिटर की हाफ C2 V2 स्क्वायर। तो आप देखोगे कि अब क्या हो गया है, सेकंड केस में भी V जो है वो क्या है, सेम। तो ये एनर्जी है आफ्टर कॉन्टैक्ट, तो टोटल निकाल लीजिए, देन टोटल एनर्जी आफ्टर कॉन्टैक्ट U2 किसके इक्वल हाफ C1 V2 हाफ C2 V2 कॉमन क्या आ रहा है, हाफ बाहर आ गया, अंदर आ गया C1 C2, इधर आ गया V का स्क्वायर। दिस इज द टोटल एनर्जी बिफोर कॉन्टैक्ट, दिस इज द टोटल एनर्जी आफ्टर कॉन्टैक्ट, बट हमारे पास V की वैल्यू है पुट करने के लिए, जो मैंने आपको बोला था कि याद रखिएगा इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अब इस वैल्यू को हम पुट करने जा रहे हैं वहां पर, देखिए हाफ C1 प्लस C2 V का स्क्वायर, ये V है, इसका स्क्वायर करते हैं, ऊपर वाले का अलग स्क्वायर लिख देता हूं मैं, इसका अलग स्क्वायर, इसका अलग स्क्वायर, ये दोनों सेम है, एक पावर कैंसिल आउट होके बचा आपके पास हाफ C1 V1 C2 V2 का स्क्वायर अपॉन
ये एनर्जी है आपके पास आफ्टर कॉन्टैक्ट की, और पहले वाली जो एनर्जी आई थी वो क्या है, बिफोर कॉन्टैक्ट की एनर्जी है। तो आपको निकालना क्या है, आपको तो एनर्जी लॉस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ लॉस ऑफ एनर्जी U1 U2। देखो कुछ लॉस ऑफ एनर्जी का होता है जो आप दो को पास में लेके आते हो, चार्ज फ्लो कर रहे हैं, रीअरेंज हो रहे हैं चार्जेस, पॉजिटिव एक तरफ जा रहे हैं नेगेटिव एक तरफ जा रहे हैं, तो कुछ एनर्जी का लॉस वहाँ पर सफर होता है, उसी को हम निकालने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए U1 माइनस U2 U1 की वैल्यू पुट करते हैं, वो रही आप C1 D1 स्क्वायर माइनस आप सिंपल एलसीएम है, आपको लेने आना चाहिए। यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2। अब 2 2 तो इनके पास भी है, तो ये वाला फैक्टर इसके साथ भी मल्टीप्लाई और ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई, यहां एज इट इज रहेगा। दोबारा देख लीजिए ये वाला फैक्टर डिनोमिनेटर में आ गया, और जब एलसीएम लोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, ये वाला फैक्टर इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओपन करते हैं ब्रैकेट, C1 को मल्टीप्लाई करते हैं एक बार C2 को, तो C1 करेंगे तो ऑलरेडी C1 है स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो C1 C2 B1 का स्क्वायर प्लस यहां C1 C2 B2 का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो C2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर। ओपन करते हैं माइनस साइन के में साथ, देखो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर बाहर माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया आपके पास अपॉन में चल रहा है 2C1 C2, कुछ कैंसिल आउट होता है हो रही है टर्म में, ये देखिए C1 B1 का स्क्वायर C1 B1 का स्क्वायर C2 B2 का स्क्वायर C2 B2 का स्क्वायर, स्क्वायर वाले टर्म में कैंसिल आउट हुई, जो बचा वो क्या आया C1 C2 D1 स्क्वायर C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 D1 V2 में ट्वाइस ऑफ C1। कुछ कॉमन आ रहा है, यस, तीनों टर्मों में से C1 C2 सम में है, तो आप C1 C2 को कॉमन ले लीजिए C1 C2, यहां बचेगा V1 का स्क्वायर, आगे है V2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ V1 V2, और नीचे है C1 प्लस, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम इसको कैसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, तो इसको आप सॉल्व करके क्या लिख सकते हो C1 C2 B1 प्लस B2 का स्क्वायर, और अपॉन में है ट्वाइस ऑफ C1 प्लस C2, ये है U1 माइनस U2 लॉस ऑफ एनर्जी। ये लॉस ऑफ एनर्जी आपको एक मिनट गड़बड़ हो गई, हाँ नहीं ठीक है, गड़बड़ नहीं हुई, लास्ट एक्सप्रेशन पे शायद प्लस माइनस का थोड़ा सा डाउट है, हमें चेक कर लेते हैं हम, हाँ ये प्रॉब्लम आ गई, देखो कहाँ गड़बड़ हुई, a प्लस बी का स्क्वायर बोल रहे थे तो आंसर आना था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सब प्लस थे तो जब माइनस अंदर गया तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो ये भी यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो
जो फॉर्मूला बनेगा वो वी वन प्लस वी टू नहीं, वी वन माइनस वी टू का बनेगा। ये गड़बड़ हो गई थी, इसको दोबारा से चेक कर लेना ये फॉर्मूला। तो ये एक्सप्रेशन हमने आज किया वो था कॉमन पोटेंशियल, किसे कहते हैं जब दो कैपेसिटर को जोड़ा जाए और दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए जोड़ने के बाद चार्ज फोड़ने के बाद, तो वो कॉमन पोटेंशियल कहलाता है। रेशो किसकी होती है? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटर। और उसके बाद हमने लॉस ऑफ एनर्जी निकाला कि जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होते हैं तो रीअरेंज भी होते हैं, दो कैपेसिटर जब पास आते हैं तो रीअरेंजमेंट भी होता है चार्जेस का, तो उसमें थोड़ी सी एनर्जी हमारी लॉस हो जाती है, उसी एनर्जी को हमने क्या है इसमें निकाल के दिखाया। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है।